काबुल विस्फोरण पर बड़ बयान रखिंट राष्ट्रपति बाइडेन से कहते आक्रमणकारी क्षमा दिजन यार मूल्य देवाक पड़ा ए बाबद अधिक आलोचना करने कर्नेल बीके बस्तिया फोनलाइन में जोड़ी होती कर्नेल बस्तिया नमस्कार स्वागत करुच्छू अर्गस न्यूज को किभ देखती पूरा परिस्थिति को आप देखो कल जो घटना है एक्सपेक्ट कर आमेरिका को भी बोधे इंटेलिजेंस मिलता जे किसी अघटन घटव बोल ये जो आईएसआईएस खुराशन तालिबान कर 2015 रु प्राय भितर गोटे मतभेद था मतभेद मानने घोर मतभेद था दिज जाक जड़े दिज को डोमिनेट करने चाहूते तेणु वर्तमान जो परिस्थिति अफगानिस्तान केतक टेररिस्ट ग्रुप से ऑलरेडी ऑपरेट आईएसआईएस भी मिसी आपणकर हकानी नेटवर्क भी अच्छी अलकायदा भी अच्छी इवेन आमर भारत विरुद्ध जो लड़ुंट जो मैंने लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद तांकर भी किसी एलिमेंट सब अच्छा तेणु ये सब बर्तन आशा कर टाइप घटना घटवार मान घटी पारे आई आग बर्तमान इवेन मुँ तो आशा करवेन जदि आईएसआईएस बर्तन एत दूर जा सारे से मैंने हे तो जेहेतु आमेरिकान ट्रुप्स मैंने आमेरिका नागरिक मैंने मेन टार्गेट जो लीडर को आमेरिका मारी बगदादी को तो इवेन अलकायदार लीडर जी ओसामा बिन लादेन भी मारी आमेरिका अलकायदा को भी खत्म कर देता आमेरिका आईएसआईएस मेरुदंड भांगी देता आमेरिका तेणु आमेरिका हूँ मेन टार्गेट यूएस तेणु बर्तन से मैंने आहरी अधिक करे ये जो आमर तालिबान जो प्रकार प्रमिज कर जो प्रकार कमिटमेंट सब करें कौन क्षति 31 अगस्त सुधा आप इवाकुएट करूँ समस्ते सब फॉरेन ट्रुप्स फॉरेन नागरिक मान को नहीं करूँ आम कौन करूनि से फेल होती मिजरेबली फेल होती कंट्रोल कर पारि ना कारण जो तालिबान लीडर मानकर कंट्रोल आर कैडर नहाँ लीडर मैंने जहाँ कहते सुरक्षा देवे से नारी मान को भी से बहुत किसी से सबुरी सामिल करेंगे किंतु तले आप देखिए से प्रकार बेबीसिका आरंभ कर जो कैडर मैंने तालिबान जो किंतु कर्नेल बस्तिया विश्व कौन अपेक्षा करिबो गोटे परे गोटे अघटन घटिबो एवं ता परे चिंता करा जिबो समय थाउ थाउ जदि किछि पदक्षेप ग्रहण न करा जिबो हुए तो स्थिति आहुरी अधिक बिगिड़ पारे गोटे पक्षरे देखिबा को मिलला यूक्रेन विमान आपण जानिछंती किभले भाबरे उभान हेगला द्वितीय रे देखिबा को मिलला किभले भाबरे विस्फोरण हेला जोठी 40 रु अधिक जनकर मृत्यु हेला वर्तमान तो विश्व समूह को एकाठी होबार आवश्यकता नितांत रहूछि निश्चित भाव में बर्तन से जानते यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी बर्तन डाकी जो यूनाइटेड नेशन सिक्यूरिटी काउंसिल आज तार मीट करने परमानेंट मेंबर जो पांचटा परमानेंट मेंबर मीट करेंगे मत लगुच किसी निश्चय कंक्रीट डिसीजन ने कि यूएन फोर्स द्वारा किसी से प्रोटेक्शन देवाई जो सिविलियन मैंने जो मैंने अच्छा जो नागरिक मैंने एकाठी होता किसी प्रोटेक्शन देवा से किसी डिसीजन नहीं पारे ता छाड़े अमेरिका जमी बर्तन डिसाइड कर सारे प्रेसिडेंट बाइडेन जमी कहले आम हन डाउन करूँ खोजिक मारू तो ये तो सहज हम नहीं बर्तन परिस्थिति जहाँ आमेरिकाईज हम नहीं अनलेस आमेरिका पूरा फुल फ्लेज तालिबान एगेन्स्ट जदि गोटे से ड्राइव करे स्टार्ट करे ताहले पॉसिबल हो पारे किंतु सेटा जोटा कि आई एम श्योर आमेरिका बर्तन आगे संगे लड़ाई कौन से पदक ना ना से तार मेन उद्देश्य बर्तन के शीघ्र पार से तार नागरिक मानकर पूरा कंप्लीट ट्रुप जिते डिप्लय अच्छा भी समस्त से इवाकुएट कर नब से अलरेडी 80,000 उपर नहीं सारे आप जानते 14 अगस्ट रु जब है पाखापाखि लक्षे लोक इवाकुएट करा सारा तेणु बर्तमान विश्व भी अन्य देश मैंने समस्ते चाहते निज निज नागर को नहीं जावा अनेक चाहते निज निज नागरिक को नहीं जावाई अनेक चाहते तालिबान को तागिद करने कि एमती भी किसी राष्ट्र अच्छा जो मैंने सपोर्ट करूँ पाकिस्तान कथा कहतु चीन तो परोक्ष सारा सहयोग क्षेत्र में आम देश में देखा मिलूँ जो तालिबानी मान सपोर्ट किसी कथना को आसूची ये तो एक चिंताजनक विषय निश्चित भाव देखो जो मैंने
ଏଇ ଯୋଉ ଜିହାଦୀ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜିହାଦ ବୋଲିକିରି ମାନି ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ କାଟେଗୋରୀ ଗୋଟାଏ ସମୁଦାୟର ଲୋକ, ସେମାନେ ଯୋଉ ଦେଶରେ ବି ଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ଏଥିରେ। ଆମେ ଭାରତରେ ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ସେ ସବୁ ତାଲିବାନ ସପୋର୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆସୁଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଚାଇନା ଏ ଦୁଇଟା ଏକ ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଇନା ତ ଯଦି ହଉ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନ ଆସୁଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏମାନେ ତ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜର ଫାଇଦା ଅଛି ଆଗକୁ, ସେମାନେ ତାର ଫାଇଦା ଉଠିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କର୍ଣ୍ଣେଲ ବିକେ ବସ୍ତିଆ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ସମୂହକୁ ଏକାଠି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନହେଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିସ୍ଫୋରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ସେଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା।